नाम आलोक शुक्ला है और मैं आज दिनांक 27/9/2021 को मथुरा से और अम्बाला कैंट की यात्रा कर रहा हूँ। आज किसान आंदोलन के चलते देशव्यापी हड़ताल के बंद भारत बंद के चलते आज ट्रेन को जगह जगह पर रोका गया है, जिससे कि ट्रेन आज ये स्टेशन करनाल स्टेशन पे लगभग समथिंग 8 घंटे से खड़ी है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे यात्रियों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि पानी, खाना इत्यादि वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन चीज़ों में लोगों की बहुत सारी मदद की है, किसी ने भोजन और किसी ने पानी और किसी ने छोटे बच्चों के लिए दूध व चाय का इंतजाम किया, जो कि यहाँ के यात्रियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। और इस देशव्यापी हड़ताल से या यूँ कहें कि भारत बंद से आम जनता को व पब्लिक को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। रेल से निकला था मगर 8:30 बजे पता चलता है कि किसान आंदोलन की वजह से भारत बंद है और ये 4 बजे तक रहेगा। हमें 10:30 बजे पहुंच जाना था मगर हम नहीं पहुंच पाए किसान आंदोलन की वजह से, भारत बंद था तो हम तो थोड़े कंफ्यूज थे कि हमें 4:30 बजे तक करना क्या, क्योंकि 5 बजे तो रेल निकलेगी। हम तो यहाँ टाइम पास करते रहे, कैसे सोचने लगे कि कैसे टाइम पास करें। फिर हमें थोड़ी भूख की भी चिंता थी कि हमारा खाने का इंतज़ाम कौन करेगा, क्योंकि रेलवे नेटवर्क तो हमारी सुन नहीं रहा था कुछ भी, मतलब रेलवे नेटवर्क हमसे कोई कॉन्टैक्ट में ही नहीं था। फिर कुछ समाज सेवक आते हैं जो रेलवे स्टेशन पर लंगर लगाते हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध का भी इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं। और समाज सेवा ऐसा लगता नहीं है हमारी तो पिकनिक ही होगी रास्ते में, बट हमारा किसान आंदोलन की वजह से पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया। मैं यहाँ काम से आया था, अब काम का पूरा दिन चला गया, फालतू में इतना पैसा लग गया हमारे यहाँ तक यहाँ आने का, एक दिन हमारा बर्बाद हो गया इसी कारण। मगर अब यहाँ पे मैं 8:30 बजे पहुँचाऊँ लुधियाना, अब मुझे होटल ढूँढना पड़ेगा।